है भाई, विच इज नॉट, विच इज रेयर, उसे कहना चाहिए था रेयर सेंस। तुम्हारे पास रेयर सेंस है? नहीं है तो फिर रहने दो, तुम मत करो। संगे मित्रा, डू यू हैव रेयर सेंस? सर नहीं है। नहीं है ना, बात खत्म, छोड़ो, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। फिर आ जाओ। चलो जी, देखो तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया है, अब हम आज करेंगे इंटरसेक्शन फॉर्मूला। और पहले इंटरसेक्शन फॉर्मूले का करेंगे ऑपरेशन, सीखेंगे कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, तो इनशाला फिर उम्मीद करेंगे कि वो जिंदगी भर हमारे दिमाग में रहे। गुड। और फिर क्वेश्चंस करेंगे आज आप। आओ जी सर, हमारे पास क्या है, हमने कल कहा था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हो और उनसे एक लाइन बन रही हो और उस लाइन पे एक और पॉइंट हो, वो उसको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा हो, तब हम कहते हैं कि भाई उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। तो वो हमें सीखना है सर कि पॉइंट क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैसे आया, अप्लाई तो वैसे कल मैंने बताया था आपको, तो वो हम सीखेंगे आज इंशाल्लाह। कल अगर थोड़ा सा आपको याद है जिस तरह से हमने पॉइंट्स निकाले थे, आज भी वैसे ही निकालेंगे। देखो सर, सबके सब बच्चे ध्यान से जरा, हम आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास, वालेकुम सलाम, हाँ जी आया तो है, जाने का मूड है, हिम्मत हो रही, अगर हिम्मत है, हाँ देख लो, सर को भी बता दो, सर के पास गया है। चलो ये हमारे पास वाई एक्सिस, थोड़ी सी देख लो, 6 बज रहे, अपना मगरिब के बाद निकल जाना। और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। सब बच्चे प्लीज ध्यान से, सबको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। चैप्टर 6 आप पढ़ चुके हो, थोड़ा सा उसी का पार्ट है। हम आपसे क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। सब बच्चे प्लीज ध्यान से, ओके। और सर ये हमारे पास हो गई लाइन ऐसे, और ये पॉइंट हो गया Q और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। तो हमारे पास x एक्सिस पे, y एक्सिस पे x1 y1 क्या होता है, x2 y2 क्या होता है, वो थोड़ा सा अब आपको आइडिया होगा। आइडिया का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहूं बेटे कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास ये जो डिस्टेंस आएगा जब मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डालूंगा, सपोज करो ए, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा x1 होगा, तो शायद इसका आइडिया है आपको, कल हमने डिस्कस किया था। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस, ये मेरा वाई वन होगा, यस और नो, सब बच्चे बताओ। यस सर। गुड, वंडरफुल। और अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालें क्यू से और इसका नाम रखें हम बी, तो यहां से यहां तक, ओ से लेके बी तक, ये हम ओरिजिन ले लेते हैं ओ, ये वाला डिस्टेंस x2 होगा और ये वाला डिस्टेंस y2 होगा। ये टू है भाई, ये आइडिया हो गया सब बच्चों को। यस अच्छा, सर। हमसे क्या कह रहा है सर, हमसे कह रहा है नहीं सर, हमारे पास एक पॉइंट है आर ऑन द लाइन, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy जो हमें निकालना होता है, एंड आर डिवाइडिंग पी क्यू इन द रेशियो m1 m2। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ xy कह रहा हूं, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो क्या ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस RC, RC आ रहा है OC, ये डिस्टेंस मेरा एक्स होगा, यस और नो, यस सर। है ना। और ये वाला जो ब्लैक मैंने ली, ये वाई होगा, बताओ ये बात सही है? यस सर। बस यहीं तक फिगर थी, अब हम इसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। ज्वाइन करने का मतलब क्या है, अब हम इसको करें यहां से, पी से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें बेटे, और इसको हम कह दें डी। कोई बच्चा मुझे बता सकता है, प्लीज ध्यान से देख लो, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि सर ये जो हमारे पास होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला ए सी, या मैं इसको कहूं पी डी, कोई बता सकता है ये कितना होगा? नहीं बता सकते हैं। x-1 क्या होगा? x-1 वंडरफुल, x-x1, क्या कह रहे हैं? हाँ छोड़ दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा x-x1। अच्छा, अगर हम यहां से, बेटे ध्यान से देखिए, R से हम ये परपेंडिकुलर डालें,
जिस बच्चे को x माइनस x1 समझ में ना है पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है, मालूम कर लीजिए। देखो बेटे ये हमारे पास है, सब बच्चे देखो OC कितना है, सब बच्चे बताओ OC। x1 OC x और OA x1, तो AC कितना रह गया x माइनस x1। सबको समझ में आ गया बच्चे? वंडरफुल। चलो अब जरा यहाँ देखो ध्यान से, अब हमने डाला R से परपेंडिकुलर और इसका नाम लिख लेते हैं E। अब आप फिर दोबारा से देखो बच्चे कि क्या हम इसको कह सकते हैं, इसको ये आर ई ये सी बी के इक्वल है, किसके इक्वल है? सी बी के। अब बताओ सी बी कितना है? सी बी हम आपसे क्या कह रहे हैं, ये जो ओ बी है बेटे, ओ बी, ओ बी कितना है बच्चे? X2। X2। और OC कितना है बेटे? OC ये OC X माइनस X, X है, X है ना। तो अगर X है तो क्या बेटे हम इसको कह सकते हैं X2 माइनस X, yes or no? X2 माइनस X, yes sir। Good। अगर ये X2 माइनस X है तो R भी X2 माइनस X होगा, yes or no? Yes sir। Good। Yes। आप जरा फिर फोकस करो, जरा ध्यान से देखो इधर सब बच्चे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटे, ये मेरा RC कितना है? RC ये वाला, ये वाला कितना है? ये Y है, कितना है? Y। और ये वाला PA कितना है? Y1। तो अब मैं जिसको कहूं उसको बताना, ये जो RD है ये वाला पार्ट, ये कितना बचेगा? Y-1। वंडरफुल, वेरी गुड, Y-Y1, शाबाश। अब इसी तरह से मुझे सोच के बताओ ये QE कितना होगा? QE Y-Y2 -Y4। ये तो बेटे Y2 है पूरा, और ये सामने वाला अगर चेक करोगे ये वाला Y है, ये वाला कितना है बेटे? Y। तो Y2 माइनस Y। सब बच्चों को समझ में आ गया? Yes। अब मैं अब जरा फोकस आप सब बच्चे करो सिर्फ इन दोनों ट्राइंगल पे, इन दोनों ट्राइंगल से, ये जो हमारे पास ट्राइंगल्स बने हैं पी डी आर एंड आर ई क्यू, अब हम इसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, कहानी खत्म, हमारा क्वेश्चन खत्म, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। आप सब बच्चों ने खुद ड्राइव किया है तो आप कहोगे घर का फॉर्मूला है, हमें तो बचपन से आता है। देखो इधर ये हमारे पास हो गया बच्चे ऐसे, और ये हो गया बच्चे ऐसे, है ना, एक चीज होती है जो हमारी अपनी होती है तो उस पर हमारा हक होता है, तो वो वाली हक वाली बात करोगे फिर आपको ये इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगा। ये हो गया M1, ये हो गया M2, इट इज माई X माइनस X1, इट इज माई X2 माइनस X, इट इज माई Y2 माइनस Y, एंड दिस वन इज Y माइनस Y1। ये मेरा P है, ये Q है, ये R है, ये D है और ये E है। सब बच्चे देखो क्या ये आपको समझ में आ रहा है जो हमने किया है? जी आ रहा है सर। हाँ भाई सब बच्चे प्लीज, अब एक लाइन लिखेंगे और आप कहोगे सर ये तो हमें भी आता था इतना, तो सिर्फ एक लाइन लिखने के बाद आप कहोगे अरे सर ये तो आता था। ये मेरा ट्राइंगल है PDR और ये मेरा ट्राइंगल है RQE, क्या ये सिमिलर हैं? यस सर। क्या ये सिमिलर हैं हंजला? क्यों सिमिलर है? रीजन दो बेटे हंजला, रीजन दो। ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90। और ध्यान से देख लीजिए आप, दोनों साइड्स इक्वल है। अरे साइड इक्वल होती है सिमिलर के लिए। ये वाली लाइन आपने परपेंडिकुलर डाली थी और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर डाली थी, तो दीज लाइंस विल बी पैरेलल। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा हाँ बेटे, तो दो एंगल इक्वल हो गए, ट्राइंगल सिमिलर क्यों हुए, कैसे हुए, कोई जरूरत नहीं। इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट इज नॉट सिमिलर ट्राइंगल। आपको सिर्फ इतना सा लिखना है ट्राइंगल पी डी आर सिमिलर आर ई क्यू। अगर आपने इतना लिखा है तो अब आपके पास रेशो आएगा। रेशो क्या आएगा? एम वन अपॉन एम टू इक्वल होगा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स। इक्वल होगा वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई,
सब बच्चे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है भाई, भाई हमने क्या किया, हमने करा इसकी साइड, इसकी साइड ये वाली साइड तो फिर ये वाली साइड, और ये वाली साइड तो ये वाली साइड। सर समझ में आया क्या? इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर है यहां तक? यस सर। गुड, अब जरा सिर्फ इस पे फोकस करो, इस पे इतने से पे। मुझे एक्स चाहिए, अगर एक्स चाहिए तो पहले दो को सॉल्व करो, फर्स्ट टू को। तो फर्स्ट टू को सॉल्व करेंगे तो जरा फर्स्ट टू पे फोकस करो सब बच्चे, इन पे बस। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, m1 into x2 minus x, m1 x2 m1 x m2 x m2 x1। yes or no? yes बेटे, x वाले एक साइड, x1 x2 एक साइड, तो इस m1 x को मैं इधर ला रहा हूं और इस m2 x1 को मैं इधर ला रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखना मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल्स टू, इधर m1 x जाके प्लस हो गया और m2 x पहले से ही प्लस में था, इधर m1 m2 x जो हुआ इसमें से x कॉमन, तो m1 प्लस m2 x, और इधर क्या है m1 x2 m2 x1 अपॉन में ले आई, अपॉन में, तो m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इधर कौन बचा भाई, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया सबको कहां से आया? हमारे पास क्या हुआ, दोबारा से देखो, हमारे पास क्या हुआ, इस m1 x1 को हम इधर लाए, तो इधर लाए तो ये m1 x2 m2 x1 प्लस में हो गया। यस और नो? किसके साथ प्लस में हो गया? m1 x2 के साथ प्लस में हो गया। और बेटे हम इस m1 x माइनस में था, इसको इधर ले गए किसके साथ, m2 x के साथ, तो m2 x प्लस m1 x। लेकिन इसमें हमारे पास क्या था बच्चे, यहाँ पे x कॉमन था, क्या कॉमन था, तो हमने x कॉमन ले लिया, अगर x कॉमन ले लिया तो आ गया m1 प्लस m2, इस m1 प्लस m2 को ले आए अपॉन में, तो वो यहाँ आ गया m1 प्लस m2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू x। इसी तरीके से अगर आप y वाला फॉर्मूला लेंगे, y वाला मतलब हम क्या कह रहे हैं, x y2, m चाहिए और y चाहिए, ध्यान से देख लीजिए m और y, तो इनको लेंगे, इनको, तो आपके पास आएगा m1 y2 m1 y m2 y m2 y1। अगेन y वाले एक साइड, y1 y2 एक साइड, तो हमारे पास आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 y प्लस m2 y, इसमें से y कॉमन तो m1 प्लस m2, इस y को अपॉन में ले आइए, इस m1 प्लस m2 को, तो आपके पास आएगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, दैट इज y। तो ये फॉर्मूला है, खैर ये डेरिवेशन हो गया, याद करने के लिए मैंने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, रूल बताया था कि भाई हमारे पास क्या होता है, सब बच्चे देख लीजिए ध्यान से, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास है x1 y1, ये हमारे पास है x2 y2, ये मेरा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है, R dividing PQ in the ratio m1 m2, तो R के कोऑर्डिनेट हमें निकालने होते हैं, R के कोऑर्डिनेट मतलब X की वैल्यू चाहिए और Y की वैल्यू चाहिए, तो X की वैल्यू होती है m1 x2 m2 x1 upon m1 plus m2, Y की वैल्यू होती है m1 y2 m2 y1 upon m1 plus m2, ये हमारे पास।
तो ये है बस एक्स और वाई, और इस पे सीधे सीधे से क्वेश्चंस हैं। कल हमने किए थे एक क्वेश्चन, फिर कर रहे हैं। अब इस पे फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे कि भाई हमारे पास कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ओके। Yes. ये देखो सब बच्चे इसको क्वेश्चन को करो। ये मैं पास आपसे कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन -1, 7 and 4, -3 इन द रेशियो 2:3। ये हमारे पास है। तो अगर आप बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा अगर फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन -1, 7। ये हमारे पास है एक लाइन, ये हमारे पास है पी -1, 7, ये हमारे पास है क्यू 4, -3। आपसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ये हमारे पास है पॉइंट आर, और इसके कोऑर्डिनेट हमने सपोज कर लिए एक्स वाई, and r divides in the ratio 2:3, तो find x and y, ये question। तो हमारे पास क्या आएगा, सीधा सीधा सा मैं आपसे कहूं, x will be, इधर वाले m को इधर वाले x से multiply करो, इधर वाले m को इधर वाले x से multiply करो, upon m1 m2 plus में, तो x will be 2:4 plus 3:-1 अपॉन 2+3, 2 4 8, 3 बन जा -3, 8 -3, 5, 2+3, 5, 5/5, 1, वेरी गुड। y, अब आपको लेना है y, तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे y से, टू को y से, 3 को y से, ऐसे तो 2:3, 3:7 अपॉन 2+3, यस और नो? यस सर। लेकिन 3 हमारा माइनस में था, इधर माइनस में था, यस, तो माइनस का ध्यान रखना है। 2 3 6 -6, 3 7 21, 21 -6 15, 15 by 5, 3, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 1, 3, यस और नो? यस सर। इतना सा काम कर, यस सर। तो कोशिश करिए अब आप सब बच्चे, हमारे पास क्या है, मैं भी नमाज पढ़ूंगा, असल में नमाज नहीं पढ़ी आज, यस। चलो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप करिए या एक ही कर लीजिए, इतने इंशाल्लाह मैं नमाज पढ़ लूंगा। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, आपको ये करना है, सुन लीजिए ध्यान से। आपसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? ये हमारे पास है ए बी, ए गिवन है 4-1, बी गिवन है -2, -3। हमसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स नॉट ए पॉइंट, ऑफ ट्राइसेक्शन। Trisection means 3 equal parts. We want to divide AB into 3 equal parts. So to divide a line segment into 3 equal parts, we need 2 points. Please ध्यान से देख लीजिए, 2 points. तो इसका मतलब क्या है? मुझे P के coordinates चाहिए और मुझे Q के coordinates चाहिए. But coordinate में तब निकाल सकता हूँ जब मेरे पास ratio होगा. तो ratio है नहीं? Ratio है, given नहीं है, लेकिन वही जो rare sense होती है, जो किसी किसी के पास होती है, उस सेंस से पता चलेगा। ये है ट्राइसेक्शन, 3 इक्वल पार्ट्स, इट मींस रेशियो इज 1:1:1, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए क्यू को हटा दें,
कि सर क्यों नहीं है, तो आप क्या मुझे आप बता सकते हो कि P divides this line in what ratio? One ratio. One ratio two. Wonderful. शाबाश. बस ये करना था. अब इसको लिख देते हैं फिर आप सॉल्व करना. तो फिर ये वाला हो जाएगा 2. सेम उसी तरीके से जब हम P निकाल लेंगे फिर हम P को हटा देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर यस गुड बेटे शाबाश. फिर हमारा आर आ जाएगा, हम कह देंगे 2:1. सब बच्चों को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर. यस सर. वंडरफुल वंडरफुल. अब चलो लिख लेते हैं फिर आप सब बच्चे करना इतने में इंशाल्लाह नमाज पढ़ो. इतने अगर आपका हो जाएगा क्वेश्चन तो एक आधा क्वेश्चन ये एग्जांपल और ट्राई कर लेना. तो ये हमारे पास है, हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम यहाँ लिखेंगे लेट पी एंड पी के कोऑर्डिनेट्स भी मान लो अगर आप चाहते हो तो. ठीक है, पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू ट्राइसेक्ट ए बी. तो आप क्या लिखो, अब यहां लिखो सो पी डिवाइड्स, पी ओनली डिवाइड्स ए बी इंटू 1:2 रेशो. तो अब आप निकालो पी, आप क्या निकालो पी, और जब पी आ जाए तो यहां पी निकालो, फिर यहां लिखो क्यू एंड क्यू डिवाइड्स ए बी इंटू 2:1 रेशो. फिर आप क्यू निकाल लो. यस और नो? यस सर. चलो शाबाश करो इतने इंशाल्लाह में. अगर आप लोग सॉल्व कर लें इतने तो फिर आप जो है कोई और क्वेश्चन एग्जांपल स्टार्ट कर देना. फ्री मत बैठना प्लीज, कम से कम फॉर्मूले को रिवाइज कर लेना जो भी हमने किया उसको देख लेना. चलो शाबाश करो जरा.
सर हो गया। जी बेटे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस सर। गुड। यस सर।